हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्राइक व्लॉग। मैं सुमित, आ चुका हूं एक नया इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, पीयूष आ चुका है। और पीयूष, अमन क्या कर रहे हैं? मामा इन्ना मत मार देना, इन्ना काले सी लाइनन, इन्ना लाइनन में। पीयूष अमन क्या कर रहे हैं? पीयूष नाम मत लेना, अपन क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बताना है अमन चैलेंज के लिए वो कर रहे हैं, नाम मत लेना बस। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। कुछ ऐसा है कुछ चैलेंज तैयार कर रहे हैं। पीयूष भी होगा उस चैलेंज में, आपको दिखाएंगे। और ये आएगा शनिवार को, और ये चैलेंज आएगा अपना संडे को। ये तो दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया, हम चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं। और पीयूष भी है इस चैलेंज में, उस चैलेंज में भी था, इस चैलेंज में भी पीयूष भी है। और ये चैलेंज अच्छा होने वाला, बहुत तगड़ा। और आपको संडे से पहले ये वीडियो मिल गई होगी, और संडे को मिलेगी चैलेंज वाली वीडियो। तो इसको चैलेंज वाला वीडियो पूरी देखना, इंटरेस्टिंग होने वाला। पहले जैसे इंटरेस्टिंग गेम था, ऐसे ही ये वाला भी इंटरेस्टिंग गेम है। चलो, और ये क्या ले आया, क्या ले आया? इमली। कहाँ से लिया इमली? पैसे। अभी इमली लिया, खट्टी होगी इमली तो ये तो खट्टी, खट्टी खा रहा है खट्टी भाई, तो मजा आवे। वो तो इमली खा रहा है मजे से, उन्हें बोला खट्टी तो अच्छी लगती है, मजा आ रहे हैं। चले फिर। हेलो दोस्तों, 4:15 बजे के आसपास हो रहे हैं। अब हम आए स्टेशन पे दीदी को लेने के लिए, क्योंकि दीदी, वो मैंने बताई थी ना, गुप्पी परी, वो आ रहे हैं। तो स्टेशन पे आने वाले हैं, ट्रेन आने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ, मास्क इसलिए हटाता हूँ मैं क्योंकि आवाज़ नहीं आती है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीन लगवा ली हमने सबों ने। तो अब गाड़ी आएगी तो मैं दिखाऊँगा आपको, और लेने आया हूँ परी को। चलो दिखाते हैं आपको। हाँ दोस्तों, फाइनली ट्रेन तो आ चुकी है, और गुप्पी भी आ चुकी है। भूमि आ चुकी है, परी आ चुकी है। चलो चलो, पूरी परी तो फाइनली दोस्तों गुप्पी को लिया घर पे। ये गुप्पी आ चुकी है, इसका बनाया था बर्थडे। दोस्तों, हम तो बाहर ये तैयारी कर रहे थे चैलेंज की, और गुप्पी अंदर है, जो कि इसका नाम है परी। परी 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 को जब फोन मिल जाता तो इसको कुछ नहीं दिखता, बस फोन दिखता है। क्यों परी बोलेगी नहीं? जब इसके हाथ में फोन नहीं रहेगा तब जरूर बोलेगी ये। क्यों परी बोलेगी ना? अभी कुछ नहीं बोलेगी ये। और ये गुड़िया लेके आई थी, मैंने आपको बताई थी, गुड़िया लेके आई थी, इसको पीट रहा हूँ मैं गुड़िया को, तो ये ना रो रही है। दोस्तों आपको पता है कि दीदी आई है, और गुप्पी ये रही। हमारा पानी खत्म हो गया था, हम जा रहे हैं पानी लेने। आपको वीडियो दिखाएंगे पूरी पानी लेने की। क्यों गुप्पी, कहाँ जा रहे हैं अपन? पानी लेने जा रहे हैं ना, बोल दे, बोल। तो हम जा रहे हैं पानी लेने, आपको दिखाएंगे। तो चलो दोस्तों, हम आ गए पानी भरने, और गुप्पी भर रही है पानी। गुप्पी भर रही है पानी आज। कौन भर रही है पानी? गुप्पी पानी भर रही है, गुप्पी भर रही है पानी, परी भर रही है पानी, परी भर रही है पानी, परी पानी भर रही है। हाँ इधर देख, इधर इधर परी पानी भर रही है। परी इधर देख, ये तो देखती नहीं, परी तो देखती नहीं। भर गई पूरी, बहुत जल्दी भर गई दोस्तों। चलो अब चलते हैं, परी ने भर दिए पानी, ये भर चुकी है परी, भर गई पानी। चलो तो बोल दिए उससे क्या नाम है। फाइनली दोस्तों पानी भर गया, अब हम जा रहे हैं घर। ये रिकैन और गुप्पी आगे बैठी है, और मैं पीछे बैठा हूँ। तो चलो till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no.
भरती है और ये पुलिया है। यहाँ पे ठेले लगे हैं बहुत सारे, ठेले लगे और उस साइड मार्केट है, उस साइड चर्च है और इस साइड हमारा घर है। फाइनली हम आ गए घर पानी लेकर। दोस्तों मैं तो आ गया ऊपर पानी लेके, क्योंकि नीचे तो गर्मी लग रही थी, लाइट ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही लाइट। मौसम भी कुछ ऐसा हो नहीं रहा खास, गर्मी लग रही है बहुत भयंकर। तो मैं आ गया ऊपर, लाइट नहीं आ रही तो हमारा काम भी अटका पड़ा है। अब देखते हैं लाइट कब तक आती है, कब तक नहीं आती है, फिर आएगी उसके बाद कुछ काम है थोड़ा बहुत, वो काम करूँगा। दोस्तों हम आपको मालूम है कि शाम को हम घूमने आते हैं, तो मैंने अभी ये देखा, ये पेड़ बहुत पुराना है, मैं पीछे कैमरे से दिखाता हूँ, बहुत पुराना पेड़ है ये भी टूट चुका है और उधर चौराहे वाला भी टूट चुका है। ये पेड़ ये अभी 3-4 दिन पहले आंधी आई थी बहुत तगड़ी वाली, तो उससे टूट गया, फिर उसके बाद उसको काट दिया तो नीचे गिरा दिया। ये बहुत पुराना पेड़ है और एक ये वाला, ये तो टूटा हुआ है, इसका एक पार्ट ये उसी के पार्ट से और ये भी उसी के पार्ट से, और एक और पेड़ टूटा है चौराहे पे इधर लेफ्ट है, वो भी दिखाऊँ, और एक वो उधर उस साइड वो भी टूटा पड़ा है। अरे मतलब अभी 2-3 पहले कुछ आंधी आई थी बहुत भयंकर, तो उससे ये 3-4 पेड़ टूट गए, बहुत पुराने पेड़ है काफ़ी, है एक आगे वो टूटा पड़ा है। इस साइड में आज ही आया तो आज ही दिखा मेरे को, ये काटा है वाला, नहीं टूटने के बाद काटा होगा, देख हाँ झुकने के बाद काटा होगा, पेड़ नहीं काट सकती रेलवे, नहीं ये टूट के काटा है, टूट के काटा है, काट नहीं काटती रेलवे पेड़, वो रहा देख वो टूट रहा, देख वहाँ से टूटा है, फिर ये लफ गया नीचे, फिर वहाँ के बाद एक काटा है, ये भी टूटने के बाद ही काटा हुआ है ये पेड़ भी, क्योंकि रेलवे कुछ वो करती नहीं है, ऐसे कोई पेड़ वेड़ कोई काटता नहीं है, इसलिए टूटने के बाद ही काटा है ये पेड़। बहुत बड़ा पेड़ था ये, बहुत पुराना, और एक वहाँ पे बहुत दूर चौराहे पे वो भी टूट गया था, वो टूट के हटा दिया गया है वहाँ से, वो दिखाऊंगा वो भी मैं। तो दोस्तों मैंने बताया था वो टूटे थे, और इस साइड भी एक पेड़ टूटा जो कि मैं आपको दिखाता हूँ पीछे के कैमरे से, ये वाला पेड़ है ये भी टूटा है आंधी से ही, फिर उसके बाद टूटने के बाद इसको काटा है वाला पेड़, और हम सब आए हैं। दोस्तों ये चौराहा है, चौराहे पे ये वाला पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है, ये भी टूट गया आंधी से, ये भी इतना पुराना पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है ये, अपना उधर रेलवे स्टेशन है, ये चौराहा है, इधर से चर्चगांव का रास्ता है, हम आए इधर से भी चर्चगांव का रास्ता है, और ये पेड़ बहुत पुराना है, यहाँ पे ठेले लगते थे 3-4 बहुत सारे। दोस्तों फाइनली हम आज तो बारिश में भीग चुके हैं, सारे भीग गए, चलो बाकी चलते हैं अब, भीग गए आज बारिश में, बारिश आ गई रास्ते में ही भीग गए बारिश में भीग गए आज तो। दोस्तों हम तो भक्के कैसे न कैसे करके आ गए, और हमारे यहाँ पे ही बारिश शुरू हो गई बहुत तेज, जो कि आप देख रहे हो इसमें बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, और चाउमीन जैसे हमने खाई थी, चाउमीन वाला ठेला भी गया। हाँ तो दोस्तों शाम के 8 बजे के आसपास हो रही है, 8 बज रहे हैं, गुप्पी पर ही खाना खा रही है, जो कि मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, छोटी लाली भूमि वो भी खाना दिखा रही है, मैं बाहर दिखाता हूँ आपको। तो परी ये रही है और परी खाना खा रही है, हमने बनाया कढ़ी चावल, परी खाना खा रही है ना, परी खाना खा रही है आज तो, नानी के आ गई परी, दोस्तों परी नानी के आ गई, ये भूमि है, इसने टॉयलेट कर लिया है अभी, कोई साफ करी मम्मी इसको, हाँ और परी परी जब आई थी इसको हमने आते ही बहुत रुलाया था, वीडियो नहीं बनाई, बहुत रुलाया इसको परी को, और अभी खाना खा रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कल मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, कल सुबह।